वर्तमान आम देखुंट लोअर पी एम जी जो हजार हजार शिक्षक मैंने आंदोलन बर्तमान बस विभिन्न दाबी गुड़िक नहीं बर्तमान पहुँचे पी एम जी बर्तमान आम से विषय में बुझा आम पाखे अच्छा शिक्षक सहित आम कथा कौन रही कौन दाबी गुड़ रही आम पाखे अच्छा सर आपचय सर मुगरेश सर भद्रक जिलार अंतर्गत चंदवाली ब्लक मत क्लस्टर रु आपण जनावि नवीन पट्टनायक उद्देश्य जनावि आम प्राथमिक संघ ओडिशा यहाँ संघ तरफ आम जो दाबी अच्छी समय थिला जितेबाला ठिकाना निजुक्ति होता से नवीन बाबू आम को बहुत कम पैसा कार्य करते सचल अवस्था आसला से आम को भूलीगले आम पेट को लात मारे जो भी भाव आम दुख को बुझी ना एत आम मर्माहत जहाँ फल आज पढ़ रही आम दाबी मुख्य मुख्य दाबी हूँ छः वर्ष जो ठिका भाव आम खटे तार सर्विस काउंट करा छा इनक्रिमेंट आम को दि जाऊ ता सहित द्वितीय दाबी हूँ जे केन्द्रीय हार में आम को दरमा दि जाऊ बयास ग्रेड पे सहित आम को केन्द्र हार दरमा दि जाऊ तृतीय भाव में हूँ ओल्ड पेंशन आम को लागू कराऊ आम वृद्ध अवस्था चाकर गला बचेब केमी खाइबू कौन आम कथा बुझे किए समस्त समय तो आम दे सारी बर्तमान आज के है दुई दिन एवं यही भाव में चलो जेपर्यंत आम दाबी सरकार शुण नए से पर्यंत आम राजस्त गड़ी गड़ी बर जीवन देवु मरबू कितु यू हटबू ना कितु आम पा जेहेतु शिक्षक मन में बहुत दुख अच्छी पे चाहू जा फेरी जाम कार्य जगदे पाँच पाठ पढ़ा आम उद्देश्य कितु निज जीवन को देखिले आम जो भाव में हतसंत होमें बचा चाहूँ आमर हक दाबीटा को आम सरकार पाखर नापी नवीन बाबू को आम अनुरोध कर मोर हाँ मो परिचय हो लक्ष्मीकांत महाड़िक चंदवाली ब्लॉक भद्रक जिला आमर मुख्य दाबी हूँ आम जो छः वर्ष जो बेठी खटीचु से आम सर्विस पीरियड भितर मिसा जाऊ केन्द्रीय हार में दरमा दि जाऊँ पुराणा पेंशन प्रथा को पुनः बार आम कि लग जाऊ छा इनक्रिमेंट को आम चाकरी में सामिल कर शिक्षक एकता शिक्षक एकता शिक्षक एकता दाबी सरकार तुम्हें माने दाबी सरकार बर्तमान आम कथा आम पाखे अच्छा शिक्षक बर्तमान आम मैडम आम पाखे अच्छा सहित कथा आप बहु संख्यार बर्तमान आज पहुँचे पी एम जी आप दाबी जाना कौन रही आपकी दाबी आम मुख्यतः तीनो दाबी रही आम मैंने चाहू सरकार आम कथा मानि आम देढ़ लक्ष प्राय संख्यार ये आसी पहुँचीचु राजस्त बसीचु दिन राति अहर संघर्ष कर चलचु प्लीज राज्य सरकार शुणु आम तीनटा दाबी पूरण कर दिखाँ आम मुख्य तीन टा दाबी है ओल्ड पेंशन मुक्त करूँ आम छा इनक्रिमेंट प्रदान करूँ और आम को बयालीस ग्रेड पे प्रदान करूँ निश्चिंत भाव में आम कथा शुणु आम एठार आसी बस बर्तमान आम मैडम कथा शुणुले आम पाखे अच्छा राज्य राज्य स्टीयरिंग कमिटर मेम्बर आम सहित कथा सर आपचय जीत रंजन महापात्र स्टीयरिंग कमिटी तो कथा हूँ आमर ये गत किसी दिन तले आम कंट्राक्चुअल जो मैंने अच्छा हाईस्कल जो थे सरकार से घोषणा कले जो मर छ वर्ष चाकरी जो मैंने आगे शिक्षा करते मूल चाकरी गणति से छटी इनक्रिमेंट दे तो आज आम से कहूँ जे 2013 मसीहा पर जी आपटा कले तेल आम 2001 मसीहार आज पर्यंत आम से ही ठिकार काम कर सरकार केमी भूलीगले आम कथा तो तार प्रतिवाद आम तीनो दाबी नहीं कि आज सरकार पाखे ये लक्ष रु अधिक शिक्षक आम ये आज उपस्थित होमर प्रथम डिमांड अच्छी आम जो भाई भाव में 6 वर्ष ठिकार काम करूँ से 6 वर्ष टी आम मूल चाकरी गणति कर 6टा इनक्रिमेंट दि जाऊँ केन्द्रीय हार में दरमा प्रदान कर पुराणा पेंशन आमको दि जाए जे कि पुराणा पेंशनटा हूँ आम जिते सरकारी कर्मचारी अच्छा 2004 पांच पर जो सरकारी कर्मचारी अच्छा
ସେମାନଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିଯାଉଛି ତାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବାପା ମାଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ୟାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ କିଛି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଥିବ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କହିଲେ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଯଦି ତାର ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଶାବାଡ଼ି। ଜଣେ ଅବସର ନେଲା ପରେ ତାର ପେନ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ଆଶାବାଡ଼ି। ତ ସେ ଆଶାବାଡ଼ିକି ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଦାବି ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହୃଦୟ ସହିତ ଆମର ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଏ ଦାବି ସେ ନ ମାନିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷାଧିକ ନୁହଁ, ଆମେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଅଛୁ। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଛି, ଚାଲିବ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ନବାଗୁରୁ। ଆମର ଯାହା ମୂଳ ଦାବି ଥିଲା ସେଇ ଦାବି ରହିଛି, ଆମର 6 ବର୍ଷର ଟିକା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଚାକିରି କାଳ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ 6 ଇନ୍କ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଅବିକଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାର ଦରମା ଏବଂ ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ବଦଳରେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି। ଏବଂ ଏ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ, ତୀବ୍ରତର ହେବ। ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭେଟି ଗୋଟି କଟେଇଛନ୍ତି 2001 ଠାରୁ, ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନସିକ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଦାବି ହାସଲ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେବେ।